अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी अरवी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको सेम टू सेम इसी मेथड के मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो आपकी अरवी कढ़ाई भी बहुत ही मज़े की बनेगी। इसको विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए 1 किलो के करीब मैंने अरवी ली है, 1 टेबल स्पून इसके ऊपर नमक लगा कर रखेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये अंदर तक इसकी लेस ख़त्म हो जाती है। फिर अच्छी तरीके से मसल मसल के इसको 2-3 मरतबा वॉश करेंगे। ये देखिए, ऐसा करने से इसकी लेस ख़त्म हो रही है। इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसको बारीक स्लाइसेस की शक्ल में काटेंगे। इससे एक तो हमारी अरवी जल्दी गलेगी और दूसरा ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखें, इस तरीके से आपने काटनी है। ये देखें, सारी अरवी कट चुकी है। अब दोबारा से हम इसको वॉश करेंगे। इसमें पानी डालकर देखें, इसमें दोबारा से लेस निकलनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसको 10 मिनट तक के लिए रखेंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 2 लार्ज साइज़ के अनियन देखें, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है, इसमें शामिल करेंगे। इसको अब हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को ब्राउन करेंगे। ये सारी चीज़ें ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी का ऐड करेंगे। अब बारी है स्पाइसेस की। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून इसमें कढ़ाई मसाला शामिल करेंगे। मैंने इसमें नेशनल का कढ़ाई मसाला यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप दही का ऐड करेंगे। अरवी में से भी अच्छी तरीके से लेस निकल चुकी है। मसाला भुनने पर हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें अरवी शामिल करेंगे।
इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बल्कि अरवी का पानी निकलेगा और इसी में यह पक जाएगी। अब इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट्स तक के लिए कवर करके पकाएंगे। तो ये देखें 15 मिनट्स के बाद हमारी अरवी भी गल चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि वाइट जीरा इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। और इसको 5 मिनट तक के लिए कवर करके पकाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी अरवी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप भी सेम इसी मेथड के मुताबिक ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट रेसिपी तक मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें कि अल्लाह हाफिज़।